हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हूबी एक्सचेंज का जो नेटी टोकन बताया जा रहा था, HUSD स्टेबल कॉइन, डॉलर पैक्स क्रिप्टोकरेंसी थी HUSD, आज के दिन वो 72 से लेके 70% तक डंप हो चुकी है, फॉल हो चुकी है। क्यों हुई है, इस वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। जैसे कई लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेजर डंप के अंदर टेरा लूना के अंदर एंट्री ली थी, USTC के अंदर एंट्री, USD के अंदर एंट्री ली थी और फिर बाद में उसका प्राइस काफ़ी अच्छा भी गया था, ठीक है, प्रॉफिट लिया था। हाँ, पर जिन्होंने इनिशियल स्टेज में जैसे $1 के पैक पर जब USD को लिया हुआ था और वो डंप होकर जीरो के बाद भी कई जीरो लग चुके थे, ख़त्म ही हो गई थी बिल्कुल। तो मेरे भी थे करीबन, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा अमाउंट जो मैंने USD के अंदर लगाया हुआ था वो भी बहुत ही डंप हो गया। तो ये लोग करते क्या है, ज़्यादातर मोस्ट मेजर नए स्टेबल कॉइन वाले उस पर आपको APY अच्छा देते हैं, यानी कि ब्याज अच्छा देंगे, इंटरेस्ट अच्छा देंगे, ताकि लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक करें और उसके बाद ये ड्रामा हो जाता कुछ ना कुछ निकल कर। तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ कि डॉलर पैक क्रिप्टो करेंसी है, ये इन्होंने ये बनाया वो बनाया, एल्गोरिथमिक कोइन जो भी मोस्टली है सबके साथ सबकी ऐसी तैसी हो रखी है। अब बात करते हैं HUSD की। HUSD क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज हूबी ने जैसे डिलिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया स्टेबल कोइन HUSD का, जो कि 72% फ्रॉम डॉलर पैक से डंप हो चुका है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊँ, हूबी हैज सेड दैट इट विल असिस्ट कस्टमर्स इन एक्सचेंजिंग HUSD फॉर USDT। ये अब क्या करेंगे, जब वाट लग गई और देखिए 28 सेंट तक भी ये जा चुका, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये रहा, ये काफ़ी ज़्यादा डंप हो चुका है, चार्ट आपको यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए ये कोइन मार्केट कैप का प्राइस ही नहीं बदल रहा, देखिए 74, ये धोखा दे रहे हैं पब्लिक को, 30 के आसपास है, आप रिफ्रेश करोगे तो 30 से फिर दोबारा वापस पहुंच जाएगा, बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए MDEX, हुओबी, GateIO, पायोनिक्स, इन एक्सचेंजेस पर ये अवेलेबल था। अब अगर बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे चलते हैं, हुओबी सेड दैट यूज़र अब बदल सकते हैं HUSD टोकन को टेथर में द इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन बाई मार्केट कैप USDT के अंदर बदल सकते हैं। देखिए मैं आपसे हमेशा कहना चाहूँगा, कहता भी रहा हूँ कि कोई भी स्टेबल कॉइन हो, फॉर एग्जांपल सब मैं भी मोस्टली मेरा USDT के अंदर ही रहता है, पर मैं ऐसे गेम नहीं खेलता, USDT में भी रहेगा, USDC में भी मेरे पास है अवेलेबल, और BUSD Binance स्टेबल कॉइन है जो, इसमें भी मेरे पास स्टेबल कॉइन के फॉर्म में मेरे पास टोकन है। बाई चांस कभी किसी के साथ कुछ धोखा हो जाता है तो बाकी मैं दूसरे कॉइन तो है मेरे पास स्टेबल कॉइन, उसके साथ खेल लूँगा, एक साथ तो सब में नहीं होगा ना। पर अभी जैसे USDT के अंदर जो धोखा हुआ था उसके बाद तो भाई ये और भी ज़्यादा ज़रूरी होगा, अभी USDT ने भी ये ड्रामा कर दिया है। और ऐसे ही आपका सेलो एंकर प्रोटोकॉल पर था जो, उसका भी उसकी भी वाट लगी थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है इसमें, ठीक है। तो ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी सावधानी बरतनी है। अब देखिए ट्रोन फाउंडर जस्टिसन हैज़ टेकन अप अ सीनियर रोल एट हुओबी इन रिसेंट वीक्स, इसने कोई सीनियर रोल लिया था हुओबी के अंदर। वन ऑफ द इमीजिएट चेंजेस ही इज मेकिंग इज शिफ्टिंग वॉल्यूम टू हिज ओन स्टेबल कॉइन HUSDD, वाइल्स हुओबी डिडेंट इश्यू HUSD, इट वॉज एक्टिव इन मार्केटिंग द टोकन सिंस इट्स लॉन्च, 2018 से इसका काम कर रहा था। पर जैसे ट्रोन ने जस्टिसन के ने सीनियर रोल हुओबी के अंदर, जैसे वो इसके अंदर आए इन किसी सीनियर रोल पर, तो उन्होंने अपने मतलब USDT के अंदर अपने स्टेबल कॉइन के अंदर वॉल्यूम को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब HUSD करंटली हैज़ ए मार्केट कैप ऑफ 63 मिलियन, डूब गई होगी अब तो इतनी भी नहीं रही होगी। अगर इसके साथ दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज हुओबी डिलीट इट्स HUSD स्टेबल कॉइन, इट्स देखिए यहाँ पर देखिए इट्स HUSD स्टेबल कॉइन जो कि 2018 से इसके साथ ही जुड़ा हुआ था, इसने नोटिस भी भेज दिया अपने यूजर्स को, नोटिस भी देख लेते हैं क्या भेजा, देखिए ये रहा, डियर हुओबी ग्लोबल यूजर्स, ये देखिए इन्होंने भेज दिया है। और ये नोटिस कब की डेट में है, 27 अक्टूबर को इन्होंने भेज दिया ये नोटिस कि भाई 4 नंबर को आपके कन्वर्ट कर दिए जाएंगे जो भी 1:1 के रेशो में, और उसके बाद देखिए ये होता है हाल स्टेबल कॉइन का डंप, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर को आपको टोकन आपके मिल जाएंगे। तो अब इसकी कंपनी की अगर बात करते हैं, चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा HUSD पर, stcoins.com stablecoin.com करके जो है HUSD एंट्रेंस द ब्लॉकचेन वर्ल्ड। अभी इनके अगर हम ट्विटर की बात करते हैं, करीब 5,800 करीबन
5,800 के आसपास बंदे हैं, वो भी नहीं इसको फॉलो किया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर कोई दम बचेगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा बहुत ही थोड़ा अमाउंट जो मेरे पास एक्सेस पड़ा हो मैं उसको अभी बाय करके इसको रख लूँगा। बाय करने के लिए आप चाहे तो यहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं, डेक्स गुरु से भी चाहे तो क्वांटिटी डालिए और अपना कोइन को बाय करके एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सचेंजेस मैं आपको दिखा भी चुका हूँ ऑलरेडी। वो भी अभी नहीं है, गेट आईओ पे ले लीजिए और आपको हनी स्वैप पे भी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। और टेरा लूना का जो डंप का हाल हुआ था कि आपका इसके साथ भी ना हो उसके, इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इसको बाय कर लो। मैं इसको थोड़ा सा बाय कर रहा हूँ और इससे स्पेयर इसको डाल के छोड़ दूंगा $100-200, और जो मेरे पास स्पेयर अगर गया तो कोई बात नहीं, और बन गया तो बल्ले बल्ले, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी अपडेट थी। अगर ये दोबारा से अपने $1 के इक्वल अगर ये आ जाता है तो अभी 36-35 सेंट का ये चल रहा है, तो अप्रोक्स मेरे $200 भी मुझे कम से कम $750 से $800 दे जाएंगे, तो मैं इसलिए इसको लेना चाहता हूँ। पर आपको ये चीज़ ये सिखाती है कि किसी भी एक करेंसी के ऊपर बने ना रहे, डिवाइड रखे BUSD में, USDC में, USDT में, ताकि कभी कुछ ऐसा हो और किसी एक एक्सचेंज के अंदर भी सारा फंड ना रखे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए थी। मैं मिलूँगा आपसे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।